और श्रृंगार करवे के बाद में अब जैसे काजर लगावे की बारी आई, श्री ठाकुर जी के लिए कोई नवीन काजर नहीं, अपने नेत्रन कोई काजर निकाल करके श्री ठाकुर जी के नेत्रन में पधरा रहे हैं। और संपूर्ण श्रृंगार करवे के बाद श्री जी ने जैसे ही ठाकुर जी को आलिंगन कियो, अपने ही तन के इत्र से ठाकुर जी को सुगंधित कर दियो। और सब सखियन से बोली, आज बहुत दिनान में श्याम सुंदर आए, राज बिहार तो होना चाहिए। और सब सखीन के मध्य में श्री ठाकुर जी और किशोरी जी पुनः राज बिहार कर रहे हैं, द्वारिकाधीश के संग में श्री श्री जी को राज बिहार रह रहे हो। हुबन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, राधे जगत नचायो तेरी बहु की मरोड़, राधे जगत नचायो तेरी बहु की मरोड़ रे, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। और इस प्रकार श्री जी और ठाकुर जी का महाराज अनेक दिनों तक राज बिहार चलता रहा। वाके बाद श्री जी ने ही राज को विश्राम कियो और विश्राम करके ठाकुर जी को आज्ञा दी, अब आप वापस जाओ। श्याम सुंदर बोले, अब नहीं जा पाऊंगा। बोले, नहीं, वहां रुक्मणी आदि सब आपकी प्रतीक्षा कर रही है, अब जाओ। ठाकुर जी वापस आए। ठाकुर जी जैसे ही लौट करके आए, ठाकुर जी को श्रृंगार, आज तक रुक्मणी ने ऐसा रूप नहीं देखा ठाकुर जी का। आज त्रिभंग ललित श्याम सुंदर अद्भुती दिख रहे हैं, आज अलग ही नेत्रन की काली माँ है, आज अलग ही पत्रावली को श्रृंगार है। ऐसी पाग कभी नहीं देखी, ऐसी चाल कभी नहीं देखी, ऐसी धोती कभी नहीं देखी, ऐसे गले के सुंदर हार नहीं देखे, ऐसे बाजूबंद नहीं देखे। आज ठाकुर जी द्वारिकाधीश की तरह नहीं चल रहे हैं, वृंदावन चंद की तरह चलते हुए आ रहे हैं। ललित गति विलास वल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान, वह छवि को देख करके आज रुक्मणी भी मोहित हो गई है, वारी वारी जा रही है ठाकुर जी के रूप पर। क्यों? क्योंकि आज को श्रृंगार श्री जी ने किया है, श्री जी ही मानो ठाकुर जी के रूप में पधारी। फिर प्रसंग आता है कि रुक्मणी आदि ने ठाकुर जी से पूछा, आप ऐसे कहां से बन के आए? ठाकुर जी तो मौन है, कुछ बोले नहीं। तभी मन में विचार आयो, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ब्रजवासी ब्रज की गोपी ने श्रृंगार करके भेजो? और निश्चित ब्रज की गोपी तो मतलब श्री राधा रानी भी आई होंगी, हम जाके देखें तो सही श्री राधा रानी कैसी हैं। और भगवान की सब पटरानियां किशोरी जी का दर्शन करने के लिए गई। वर्णन करते हैं, दास किशोरी जी की दासियों को देख करके कृष्ण पटरानियों के चित्त में भाव आया, जब दासियां इतनी सुंदर हैं तो किशोरी जी कितनी सुंदर होंगी। और रुक्मणी जी ने जैसे ही पहली बार किशोरी जी को देखा, देखते ही रुक्मणी जी की स्थिति ऐसी हो गई कि अब रुक्मणी जी को वापस द्वारिका भी जाने की इच्छा नहीं। रुक्मणी जी कहती हैं, मैं कुछ भी हो जाए श्री कृष्ण का त्याग नहीं कर सकती। पर किशोरी जी के दर्शन करके अब रुक्मणी जी की मनस्थिति ऐसी हो गई, हम कृष्ण को भी छोड़ देंगे पर किशोरी जी का त्याग नहीं कर सकते, हम श्री जी को नहीं छोड़ सकते। हे श्यामाजू, कृपा करो, अनुग्रह करो, अपनी चरणन की दासी बना करके सदा के लिए अपने चरणन में रख लो। तब किशोरी जी ने रुक्मणी जी को हृदय से लगा करके आज्ञा दी, हमारे प्राणेश आपके पास हैं, इसलिए जब तक वो लीला कर रहे हैं तब तक हमारी आज्ञा है, उनको ध्यान रखो, और जब वे अपनी लीला पूरी करेंगे तो उनके सहित आप निकुंज में आ जाइयो। इसलिए भागवत जी में वर्णन है कि ठाकुर जी ने लीला पूरी करते समय अर्जुन को आज्ञा की, हमारी अष्ट पत्नियों को लेकर के वृंदावन चले जाओ, किशोरी जी की शरण में पहुंच जाओ, क्योंकि उनकी इच्छा है कि उनको किशोरी जी की शरण में जाना। तब रुक्मणी जी वापस गई, नहीं तो किशोरी जी के दर्शन करके रुक्मणी जी की तो स्थिति ऐसी हो गई कि अब जानो ही नहीं है, अब तो इनके पास ही रहना है, इनकी शरण में ही रहना है। ऐसी हमारी किशोरी जी को हम बारंबार वंदन करें, बारंबार प्रणाम करें, बारंबार उनके चरणन में बस यही भाव रखें कि हे श्यामाजू, हे किशोरी जी, आप कृपा करो, श्याम सुंदर सदा हमारे प्रिय बने रहें। मुहे तो भरो सो है तेरो रीके
किशोरी राधे मोहे तो भरो सोहे तेरो रे किशोरी राधे मोहे तो। बंधु नेत्र बंद करके किशोरी जी का स्मरण करके सब गाओ। हे श्यामा जी, आज ये सत्संग विश्राम हो रहा है, कल से हम फिर से संसार में ग्रसित हो जाएंगे। संसार फिर से हमारे चित्त पर आक्रमण करके आपको और ठाकुर जी को भुलवा देगा। पर हे श्यामा जी, हे किशोरी जी, आप कृपा कर दो, इतनो प्रेम हमारे चित्त में भर दो कि ये संसार के जितने विकार हैं वह जल के समुद्र में, वह जल के सागर में आ ही नहीं पाए, ऊपर ही तैरते रह जाएं। हमारे वह प्रेम के सागर में ये संसार को विषय प्रवेश ही नहीं कर पाए, इतनो प्रेम हमारे चित्त में भर दो। हे श्यामा जी, आप कृपा कर। साधन ही दीन में भजते हैं किशोरी जी को। श्याम सुंदर भी चुपके चुपके किसका भजन करते हैं? किशोरी जी का ही भजन करते हैं, श्री जी का ही स्मरण करते हैं। निकुंज की लीला में आता है कि एक बार किशोरी जी ठाकुर जी की वंशी लेकर के बैठ गई। ठाकुर जी बोले जी कहा कर रही हो? बोले आज वंशी मैं बजाऊंगी। ठाकुर जी बोले ऐसा मत करो। बोले चो जे बजेगी ना आपसो। किशोरी जी बोली अच्छा हमसे ना बजेगी? बोले ना ही बजेगी। श्री जी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, वंशी मत रखो, या को मोह दे दो, ये मोह से ही बजेगी, आप बजाए नहीं पाओगी। ललिता विशाखा सब आ गई। अच्छा ठाकुर जी तुम हमारी किशोरी जी को कम आंक रहे हो कोई चीज में? ठाकुर जी बोले मैं कम ना आंक रहा हूं, श्री जी सर्वगुण संपन्न है, श्री जी सब जाने, पर मैं तो अपनी वंशी को दोष बता रहा हूँ जे श्री जी से ना ही बजेगी। ऐसो कहा दोष है आपकी वंशी में? ठाकुर जी बोले अब मैं कहां बताऊं, आप एक काम करो बजा के देख लो, बज जाए तो। श्री जी ने अपने अधर पर जैसी वेणु धारण करी, अपने कोमल छिद्रों से उसके छिद्र आच्छादित करके जैसे ही श्री जी ने प्राण पिरोए वंशी नहीं बजी। साक्षात गंधर्व प्रकट हो गए, सरस्वती प्रकट हो गई, संगीत की सारे राग रागनिया प्रकट हो गए और सब उस वंशी को टोकने लगे। अरे साक्षात किशोरी जी प्राण पिरो रही है, तू बचती क्यों नहीं है? वंशी सबके आगे हाथ जोड़ रही है, क्षमा करो मैं नहीं बच पाऊंगी। क्यों नहीं बचेगी? बोल उत्तर कृष्ण देंगे, उत्तर श्याम सुंदर देंगे। सबने पूछी ये वंशी बच क्यों नहीं रही है, किशोरी जी बजा रही है तो? ठाकुर जी ने वंशी हाथ में लेकर के कही हे किशोरी जी, आप अपने अधर पर वंशी धारण करते समय कौन को चिंतन करके बजा रही? किशोरी जी बोली ये पूछे वाली बात है, मैं तो कोई भी वाद्य बजाऊं तो आपको चिंतन करके बजाऊं?
ठाकुर जी बोले यही तो गलती है गई, मेरी वंशी जो है ना ये आपकी अखंड भक्त है। अखंड भक्त को मतलब, अनन्य भक्त को मतलब, आपके अलावा यदि वंशी से कोई और को स्मरण कियो जाएगो तो मतलब अपने इष्ट के अलावा अन्य और किसी को स्मरण ना करनो, यही को कहे मैं अनन्य भक्ति। और मेरी वंशी की अनन्यता आपके चरणन में है, आपको स्मरण करके जब या वंशी को धारण कियो जाए तभी ये बजे। और आप या को धारण करके मेरो स्मरण कर रहे हो, मेरो स्मरण करोगी तो मेरी वंशी की अनन्यता नष्ट रह जाएगी, और अनन्यता नष्ट होगी तो वो बजेगी कैसे। श्री जी ये वंशी तो केवल और केवल आपको स्मरण करके ही स्वर निकाले। अगर आप भी यदि चाहोगे कि मेरो स्मरण करके आप बजाओ तो ये बजेगी नहीं, आपको भी बजाते समय अपनो ही स्मरण करना पड़ेगा तभी वंशी बजेगी, नहीं तो नहीं बजेगी। इसीलिए हमारे वंशी के अवतार श्री हितरवंश महाप्रभु श्री राधा के ही उपासक हैं, क्योंकि वो अखंड अखंड श्री किशोरी जी के उपासक हैं। भक्तमाल जी में नाभा जी कहते हैं पहले राधा पाछे कृष्ण, और ये अखंडता ये अनन्यता उनके चित्त में कोई और नहीं, ठाकुर जी नहीं भरी है, ऐसी हमारी श्यामा जी। इसीलिए मैं गाया करता हूं, हमें भरोसा ठाकुर जी का नहीं है, हमें भरोसा श्यामा जी आपका है। मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो रे। एक अभिलाषा है हमारी, इतने भजन करने का, इतनी कथा करने का, इतनी कथा सुनने का, तिलक लगाने का, एक ही फल चाहिए हमको, क्या? मुक्ति भुक्ति ना मागत के चाहिए क्या? अपनों जान संभालो किशोरी राधे, अपनों जान संभालो किशोरी राधे, अपनों जान संभालो किशोरी आज कहनी तो हमको द्वारिका लीला थी, पर हमसे श्री जी का ही स्मरण हो रहा है बार बार। ब्रज द्वारिका लीला जो है बहुत अद्भुत है, इतनी भव सागर में, इतने भव सार में डूबी हुई ये लीला है। श्री जी से बस यही प्रार्थना की है, श्री जी ये कथा तो विश्राम हो जाएगी, बस आप हमारे चित्त में प्रेम का वो सागर भर दो, जिस प्रकार जल में कोई भी वस्तु फेंकने पर तैरती रहती है, ऐसे ही फिर हम जब संसार में जाएं तो संसार के विषय तैरते रहें, कोई भीतर ना प्रवेश कर पाए। भीतर तो केवल आप और ठाकुर जी विराजे रहें बस। सूर्य ग्रहण की संपूर्ण लीला सुनाई गई,
आगे भागवत जी में सुदामा चरित्र सुनाया। किसी ने पूछा भी कि हमको भी सुदामा जी की तरह ठाकुर जी का मित्र बनना हो तो हम क्या करें। सुदामा जी के अंदर तीन गुण हैं, विरक्त इंद्रिय, प्रशांत आत्मा और जितेंद्रिय। ठाकुर जी के यदि सखा बनना चाहते हैं तो आप अपने अंदर तीन लक्षण लेकर के आओ। सबसे पहला विरक्त इंद्रिय। विरक्त इंद्रिय का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए सब लोग। ठाकुर जी से यदि आप सख्य भाव चाहते हैं, नवदा भक्ति, नौ प्रकार की भक्ति होती है। कितने प्रकार की भक्ति होती है, कितने लोगों को याद है नवदा भक्ति, हाथ ऊपर करो। धन्य है, बताओ। 15,000 की भीड़ में 5 लोगों को पता नवदा भक्ति, याद करो इसको बैठ के। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम, दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। कल कथा द्वारा लाइव में सुन लेना, वहां से लिख लेना इसको, नवदा भक्ति याद कीजिए और एक एक करके 905 चढ़ने हैं आपको। सबसे पहली भक्ति का नाम क्या है, श्रवणम, सुनो। ठाकुर जी की जितनी हो सके लीलाएं सुनो। अभी पता है क्या हुआ, अभी आप कई इतने युवा आते हैं कथा में, सब सुनने में खूब रुचि बढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, सुनो, ये सबसे पहली भक्ति है श्रवणम। पर श्रवण के बाद श्रवण तक सीमित मत रहो। श्रवण के बाद क्या, जिसको सुना है, जिसकी लीलाएं सुनी है, अब उसका क्या करो, कीर्तनम। कीर्तनम का मतलब क्या है, अब उसके गुणगान गाओ, चलते फिरते, उठते बैठते, जागते सोते। जिस देश में, जिस वेश में, परवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस काम में, जिस धाम में, जिस नाम में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिनकी लीला आप सुनते हो उनका फिर चिंतन करके कीर्तन करो, ये दूसरी भक्ति है। कीर्तन का मतलब क्या होता है, जहां पर व्यक्ति अपने तन की जहां पर व्यक्ति अपनी तन की कीर्ति को भूल करके उससे परे हो जाता। जैसे हम कीर्तन गाते हैं, आप सब खड़े हो जाते हो, नृत्य करते हो, गर्मी पड़ रही है, आगे पीछे भीड़ हो रही है, फिर भी आप नृत्य करते हो, यही कीर्तन होता है। जहां पे आप ये सोच रहे हो मैं कैसे उठूं, सब लोग मुझको देखेंगे, मैं कैसे कर सकता हूं, आगे पीछे वाले देखेंगे, इसका मतलब अभी आप कीर्तन में प्रवेश नहीं कर पाए हो। कीर्तन जब होता है तो व्यक्ति अपने तन की कीर्ति भूल जाता है और बस भुजा उठा करके वो नृत्य करता है, वो विचार नहीं करता कौन क्या सोच रहा होगा, कीर्तन। तो प्रथम भक्ति श्रवणम, दूसरी भक्ति कीर्तनम, तीसरी भक्ति स्मरणम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम, भगवान का स्मरण करो। किसी ने मुझसे पूछा कि हम इंजीनियर हैं, हम बहुत व्यस्त रहते हैं, हमारे बहुत काम है, हम इतनी सेवा नहीं कर पाते ठाकुर जी की, तो क्या करें, स्मरण तो कर सकते हो ना, अन्यथा मत लीजिएगा बात को। आप कितने भी व्यस्त होते हुए, कितने भी पढ़ाई का बोझ होते हुए, कितनी भी चीजें जीवन में होते हुए, सबसे पहले आप ठाकुर जी की भक्ति क्यों छोड़ देते हो। बच्चों से पूछो आप क्यों नहीं करते, बहुत प्रेशर है पढ़ाई का, आप ठाकुर जी का भजन क्यों नहीं करते। महाराज कहां समय हम पे, सुबह निकलते हैं, रात को आते हैं, घर लौट करके इतना काम हमारे जीवन, मतलब आपने एक चीज देखी, व्यक्ति का स्वभाव है कि वो व्यस्त होते ही, बर्डन होते ही सबसे पहले छोड़ता किसको है, ठाकुर जी की भक्ति को। सोशल मीडिया नहीं छोड़ा, जिससे प्रेम करते हैं उससे बात करना नहीं छोड़ा, उसका चिंतन करना नहीं छोड़ा, सुबह शाम उसके साथ रहना घूमना नहीं छोड़ा, पर ठाकुर जी सबसे पहले छूट जाते हैं क्योंकि ठाकुर जी हैं ही नहीं चित्त में। कई पंजाब के बच्चे ज्यादातर विदेश जाते रहते हैं, जब भी मिलने आएंगे
महाराज जी अब क्या करें, अभी तक तो गुप्त भजन करते, अब विदेश जा रहे हैं। मैंने कि तो अब वहां कैसे करेंगे? मतलब आपके पास फर्स्ट प्रायोरिटी में छोड़ने के लिए सबसे पहले कौन है? ठाकुर जी। कि कुछ भी होगा उनको छोड़ा जाएगा। मीराबाई की प्रायोरिटी में सब थे कि कुछ भी होगा सब छोड़ दूंगे, पर ठाकुर जी नहीं, चाहे जो हो जाए ठाकुर जी नहीं छूट सकते मुझसे। ऐसी भक्ति करो चाहे जो हो जाए ठाकुर जी नहीं छूटने चाहिए, चाहे संसार छूट जाए। हमारे लिए सबसे पहले अधर धरे ठाकुर जी, कुछ भी ऐसा होगा जो हमारे विपरीत है हमारे जीवन से, ये छूट जाएंगे, इनको किनारे कर देंगे हम। नहीं, चाहे जो हो जाए ठाकुर जी को मत छोड़ो, उनकी स्मृति मत छोड़ो। तो स्मरणम, तीसरी भक्ति का नाम क्या है? आप कुछ भी करो आपकी स्मृति में भगवान रहने चाहिए। आप इंजीनियर हो, आप डॉक्टर हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप सिविल में जॉब करते हो, आपके चिंतन में ठाकुर जी रहने चाहिए। जरूरी नहीं है फिर आपको सेवा ही करनी है, जरूरी नहीं है फिर आपको नाम जप ही करना है, जरूरी नहीं है आपकी माला होनी चाहिए, आपके चिंतन में ठाकुर जी रहे बस, स्मृति में रहने चाहिए ठाकुर जी। अर्जुन ने कोई माला नहीं जपी थी वहां पर, ठाकुर जी अभी धनुष नहीं चला सकता, 11 माला तो हो जाए मेरी पहले पूरी, भगवान बोलेंगे सामने वाला मार देगा तुझको। अर्जुन से भगवान ने क्या कहा? युद्ध कर पर मेरी स्मृति के साथ में कर। युद्ध कर मतलब अपना कर्म कर, जितना व्यस्त तू रह सकता उतना व्यस्त रख, पर स्मृति में मैं हूं तेरा ये सदैव विश्वास रख। जिस प्रकार धन मेरा है ये विश्वास चित्त में रहता है, माता पिता मेरे हैं, पत्नी मेरी है, बच्चे मेरे हैं, ये सारे विश्वास कितनी भी व्यस्तता हो तब हमारे चित्त में रहते ही हैं, ऐसा ही विश्वास ये भी रहे ठाकुर जी मेरे हैं, श्री जी मेरी हैं, लाल जी मेरे हैं, ये विश्वास मात्र आपके चित्त में स्मृति बन करके बना रहे, आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अपना कर्म करो अच्छे से, स्मृति रखो। तो सबसे पहली भक्ति श्रवणम, दूसरी कीर्तनम, तीसरी स्मरणम, स्मरण स्मृति में रखो, और चौथी भक्ति वंदनम, ठाकुर जी की वंदना करो, सुंदर सुंदर गीत गाओ, सुंदर सुंदर स्तुति सुनाओ ठाकुर जी को, सुंदर सुंदर श्लोक सुनाओ। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, और फिर स्मरण के बाद आती है पाद सेवनम, ठाकुर जी की सेवा करो। वंदनम बाद में आती, पहले पाद सेवनम, ठाकुर जी की सेवा करो, ठाकुर जी को सुंदर श्रृंगार करो, ठाकुर जी की सुंदर सेज सजाओ, ठाकुर जी के लिए सुंदर भोग बनाओ, ठाकुर जी के लिए सुंदर राग सुनाओ, ठाकुर जी को नृत्य करके दिखाओ। हमारे जितने भी पंडित जी लोग हैं, हम लोग पता है क्या करते हैं, जब हम लोग फ्री होते हैं कथा वथा से तो अपने लाल जी को घेर के बैठ जाते हैं, और फिर हम कहते हैं भाई यहाँ चुटकुल्ला सुनाओ ठाकुर जी को, तो सब ठाकुर जी को चुटकुल्ला सुनाते हैं। क्यों? दुनिया में पूरे दिन हमारे लाल जी के पास देख दो, कोई रोता हुआ आ रहा है, कोई गा रहा है, कोई कुछ सुना, कोई ठाकुर जी को हंसा ही नहीं रहा, तो हम सब रे बैठ के ठाकुर जी को हंसाते हैं, ठाकुर जी को चुटकुल्ला सुनाते हैं। हमको कोई भी खेल खेलना हो, हम हमेशा कथा से बाहर ही रहते हैं, तो रात में खेल खेलना हो, कोई बात करनी हो, हंसना हो, सारी बातें ठाकुर जी के हमारे लाल जी के सामने बैठ के ही होंगी, ताकि उनको भी सुख मिले, उनको भी आनंद आवे। तो ये करना भी पाद सेवन में, ये भी एक पाद सेवन है ठाकुर जी की। पाद सेवन का मतलब केवल उनको सजाना धजाना ही नहीं होता, अपनी समस्त क्रिया उनके सन्मुख प्रस्तुत करो। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, और फिर उसके बाद आती अर्चनम, ठाकुर जी की अर्चना करो। जैसे बहुत गर्मी आ जाए तो ठाकुर जी के लिए सुंदर सुंदर ऐसे पुष्पों के हार बनाओ जिससे ठाकुर जी को सुख मिले। सारी पोशाकें वृंदावन से बनवा के मत पहनाया करो ठाकुर जी को, कभी कभी बिना पोशाक के भी रखा करो। आज हरी देखे नंगम नंगा, मोतिन माल गले और साजे छवि के उठत तरंगा। ठाकुर जी को भी यूं लगे पता नहीं आज क्या करेगा मेरे साथ, और ठाकुर जी को पता ही है रोज वही पोशाक पहना देगा, चुभती होगी ठाकुर जी को। नहीं नहीं, कुछ ना कुछ लीलाएं किया करो ठाकुर जी के साथ, पर विधि जान करके, जैसा प्रणालिकाओं में लिखा हो वैसा, अपनी मनमोजी नहीं। अब अक्षय तृतीया आती है, हमारे वृंदावन में ठाकुर जी को चंदन पहना देते हैं, सिर से लेकर नीचे तक ठाकुर जी चंदन ही चंदन पहनते हैं। क्यों? बहुत गर्मी है ना, तो ठाकुर जी को चंदन पहन के रहते हैं।
स्नान पूर्णिमा पे फुब्बारे लगे रहते मंदिरों में, ठाकुर जी भीगते ही रहते हैं पूरे दिन। बंगले का समय आता है तो ठाकुर जी सुंदर बंगलों में रहते हैं। हमारे राधा वल्लभ लाल जी तो रोज ही कछु ना कछु नयो ही पहनते रहे, कभी कछु आनंद करें। ऐसे ठाकुर जी के सामने नवीन नवीन भाव प्रस्तुत करो। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, और फिर अर्चनम, उसके बाद आई वंदनम, फिर कुछ गाके सुनाओ ठाकुर जी के सामने, कुछ सुना हुआ सुना दो। वंदनम, और फिर आई अगली भक्ति दास्यम, ठाकुर जी के सामने दासत्व स्वीकार। दासत्व का मतलब क्या होता है? आपकी मर्जी चलेगी, मेरी मर्जी कुछ भी नहीं है, जो आप चाहेंगे वही होगा, इसको दासत्व कहते हैं। अभी क्या होता, हम अपनी इच्छा से ठाकुर जी को रखते हैं, फिर ठाकुर जी की इच्छा होनी चाहिए, ये जो चाहें वो हम करें, उसको कहते हैं दासत्व। और दासत्व को कैसे पता करें? वैसे तो ऐसा होगा कि भैया जब आप बहुत सेवा करने लग जाओगे ना, ठाकुर जी अपने आप आज्ञा किया करेंगे, ऐसा करो, ऐसा मत करो, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और आज्ञा ठाकुर जी नहीं करते तो पर्ची डालो, दो चार पर्ची डाल के ठाकुर जी से पूछो क्या करना है, उसमें जो आए वही आज्ञा मानो, ये है दासत्व। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, और फिर सातवीं भक्ति सख्य, भगवान को अपना सखा मानो। सखा मानने का मतलब ये नहीं है कि उन पे जो मन चाहे उनको बोल दो, उनसे नाराज हो जाओ। हाँ, प्रेम की चरम स्थिति हो जाएगी तो नाराज भी हो सकते हो आप, लेकिन सखा मानने का मतलब है संग खाओ, संग रहो, संग रहो, संग ही संग सब क्रिया करो। जो ठाकुर जी की है वही हमारी है, उसके अलावा और कुछ हमारी नहीं। और अंतिम भक्ति का नाम है आत्मनिवेदनम, सब कुछ ठाकुर जी को निवेदित। सुबह कहाँ जा रहे हैं ठाकुर जी को बता के जाओ, रात में आके सब ठाकुर जी को बताओ, कहाँ से आए, क्या किया, क्या खरीदा, क्या नहीं खरीदा, सब ठाकुर जी से चर्चा करो। स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते थे, बोले या तो घर से जाते समय बता के जाओ, नहीं तो घर आके ठाकुर जी को सब बताओ, कहाँ गए थे, क्या करके आए, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, सब बताओ। इस प्रकार नवदा भक्ति, इन नवदा भक्ति में एक भक्ति सख्य भक्ति। सख्य भक्ति के लिए तीन लक्षण होने चाहिए जो सुदामा जी में है। सबसे पहला विरक्त इंद्रिय, इंद्रियों से विरक्त। आपकी जीव की इच्छा होती है, आप तुरंत भागते हो पानी पूरी खाने, तो आप ठाकुर जी के सखा नहीं बन पाओगे। सखा वही बन सकता है ठाकुर जी का जो अपनी इंद्रियों को जीतना जानता हो, जो अपनी इंद्रियों पर वश करना जानता हो। आंखें कुछ देखना चाहती हैं, तुरंत दिखाने ले गए उसको। कान कुछ सुनना चाहते हैं, तुरंत महाराज हेडफोन लगाए गाने सुनने लग गए। शरीर कुछ स्पर्श करना चाहते हैं, तुरंत उसको, मतलब इंद्रियां जो इच्छा प्रकट करें तुरंत उनको वो प्रस्तुत कर देना, ऐसा व्यक्ति भगवान का सखा नहीं बन पाएगा। ठाकुर जी का सखा कौन बनता है? जो अपनी इंद्रियों को जीतता है, जो अपनी इंद्रियों पर वश करता है। और क्षमा करें, जो विरक्त इंद्रिय नहीं बन पाया ठाकुर जी उसको फिर सखा नहीं बनाते। तो सुदामा जी का पहला लक्षण क्या है? विरक्त इंद्रिय। दूसरा लक्षण क्या है? प्रशांत, अत्यंत शांत। ठाकुर जी के सखा में दूसरा गुण होना चाहिए, कम बोले, थोड़ा बोले, ठाकुर जी को बोलने का अवसर दे। और ठाकुर जी के सखा का तीसरा लक्षण होना चाहिए जितेंद्रिय। जितेंद्रिय का अर्थ क्या होता है? कि इंद्रियों को केवल भगवत संबंधी वस्तु प्रदान करे, अन्यत्र कुछ भी ना देवे। आपको किसी ने कोई सामग्री ला करके दी तो आप पहले ये पूछ लीजिए कि भोग लगी कि नहीं ठाकुर जी को। अगर ठाकुर जी को निवेदित नहीं है तो आप उसको स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे वो पहनने की वस्तु, खाने की वस्तु, अरे कहां तक कहें संबंध बनाने वाली वस्तु से भी पहले ये विश्वास कर लो ये ठाकुर जी का है कि नहीं, तभी उसको स्वीकार करो। ये तीन लक्षण जिसमें है उसके अंदर सख्य भाव आता है। सुदामा जी में ये तीनों लक्षण हैं। सुदामा चरित्र आप सब लोगों ने खूब विस्तार से सुनाई है। श्री सुदामा जी महाराज पत्नी के कहने पर द्वारिका गए, भगवान ने दौड़ करके उनका स्वागत किया। सुदामा जी महाराज ने कुछ नहीं मांगा लेकिन ठाकुर जी ने सब कुछ दे दिया। तीन बातें याद रखना, तुच्छ, कुछ और सब कुछ। जब आप किसी से कुछ मांगते हो ना तो आपको तुच्छ मिलता है, जब आप सेवा करते हो तो आपको कुछ मिलता है, लेकिन जब आप समर्पित हो जाते हो तो सब कुछ मिलता है।
आप श्री वृंदावन से यदि कुछ मांगोगे तो तुच्छ मिलेगा, आप श्री जी की सेवा करोगे तो कुछ मिलेगा, पर वृंदावन जाकर के दोनों भुजा उठा के कह दोगे हे ठाकुर जी हम आपके हैं और आप हमारे हो, तो ठाकुर जी सब कछु दे देंगे, खुद को दे देंगे महाराज। श्री सुदामा जी की भक्ति में श्रेष्ठता क्या है? सुदामा जी ने कुछ मांगा नहीं ठाकुर जी से, खुद को दे दिया, ठाकुर जी ने सब कुछ दे दिया। दुनिया के लोग सब कुछ निवेदित करते हैं भगवान के चरणों में, पर खुद को निवेदित नहीं करते। खुद को अर्पित करो। हमारे पूज्य पिताजी महाराज गाते हैं, उन्हीं की रचना है कि मुरली बजाने वाले गिरवर उठाने वाले मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। ढूंढ लिया जग सारा मैंने दर्शना तेरा पाया, कहिए ढूंढ लिया जग सारा मैंने दर्शना तेरा पाया। पूज्य पिताजी लिखते हैं जब मन को एकाग्र किया तो तू दिल बीच समाया, सर्वत्र रहने वाले श्री राधारमण हमारे, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ। पतित अजामिल गणिका तारी मुझको क्यों बिसराया, पतित अजामिल गणिका तारी मुझको क्यों बिसराया। कृष्ण चंद्र सुन बिनती हमारी मैं द्वार तुम्हारे आ, हृदय में रहने वाले श्रीवा के बिहारी हमारे, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। या कुछ मत चढ़ाओ ठाकुर जी के पास में, स्वयं को चढ़ा दो, स्वयं को अर्पित कर दो, स्वयं को निवेदित कर दो, नाथ बस अब मेरा जीवन आपका है, आप जैसे चाहोगे वैसे मैं रहूंगा। अच्छा हूं या बुरा हूं जैसा भी हूं तुम्हारा, अच्छा हूं या बुरा जैसा भी हो। हमें लग रही है साथ देना कि सबरे भाव आज ही गाते हैं, अब कल तो आज तो चले जाना है, तो आज सारे भाव अपने आप निकल निकल के आ रहे हैं, हमें भी गा दो, हमें भी गा दो, हमारी भी सेवा कर जाओ। ठुकराओ ना मुझे अब चरणों में सर झुकाऊं, ठुकराओ ना मुझे चरणों में सर झुकाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। ठाकुर जी के प्रति स्वयं को समर्पित करने का मतलब क्या समझते हो आप? फिर आप पहनते भी वही हो जिससे आप ठाकुर जी के लगो, फिर आप बनते भी वही हो जिससे आप ठाकुर जी के लगो, फिर आप पाते भी वही हो जिससे आप ठाकुर जी के लगो, फिर आप बोलते भी वही हो जिससे आप ठाकुर जी के लगो। जैसे इधर देखो, सब लोग ध्यान से सुनना, कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में होता है ना, तो वो बात बात पर अपनी चाल ढाल खान पान सब में ये बात दिखाई देता है कि वो सरकारी है,
उसकी बातें भी मंत्री मिनिस्टर से कम नहीं करता वो। अरे मंत्री जी कितने दिन से आपको, आप मेरे को बार बार फोन मत किया करो, काट देगा। ओ भाई तो मंत्री फोन कर रहे हैं, उठा ही नहीं रहा है। उसकी अदब कैसी होगी, कपड़े भी ऐसे पहन के चलेगा महाराज, दूर से देखने में लग जाए कोई सरकारी ऑफिसर है। उसका घर भी कैसा होता है, वो भी सरकारी होता है, सब कुछ उसका सरकारी दिखाई देता है। ऐसे ही व्यसनी व्यक्ति जो होता है, व्यसनी व्यक्ति का भी सब कुछ दिखाई देता है कि इसका सब व्यसन है। वो बोलता है तो बोलने से ही पता चलता है गुंडा है, कपड़े भी गुंडाओं जैसे ही पहनता है, हेयर स्टाइल भी गुंडाओं जैसी रखता है, अपनी चाल ढाल भी गुंडाओं जैसी रखता है, बातें भी गुंडा, भोजन पानी भी गुंडाओं जैसा ही करता है। फिर हम भक्त क्यों दो तरफा हो जाते हैं, हम क्यों नहीं एक तरफ रहते? हमारी भी चाल से पता चले कि श्री कृष्ण भक्त है, हमारी भी ढाल से पता चले ये कोई कन्हैया को है, हमारे भी रूप को देख करके कोई कहे ये श्याम सुंदर का है, हमारे वस्त्र देख करके भी हमारी पहचान श्री कृष्ण से हो, हमारे भोजन को देख करके भी कोई कहे ये श्याम सुंदर के हैं, हमारी वाणी देख करके भी कोई कहे ये श्री कृष्ण के हैं। हमारी भी चाल ढाल सब चीजों से छलकना चाहिए कि हम श्री कृष्ण के। इसको कहते हैं हरि को समर्पित होना। समझ में आई बात? दुनिया के लोग गाड़ी खरीदते हैं अपने लिए, लेकिन वैष्णव का स्वभाव कैसा हो जाता है, बोले कहां जा, वो रथ खरीदने जा रहे हैं ठाकुर जी के लिए। खरीद के उसको गाड़ी लानी है, लेकिन वो गाड़ी नहीं बोलता है, वो क्या बोलता है, अपने ठाकुर जी का रथ ला रहे हैं। जलंधर में एक काम करो भाई, सब लोग अपने ठाकुर जी का नाम और उसके पीछे रथ जोड़ करके अपनी गाड़ियों के पीछे लिखवा दो। ये गाड़ी आपकी नहीं है तो फिर क्या है, आपके ठाकुर जी का नाम है गोविंद, बोलो गोविंद रथ, गोपाल रथ। हमने ही दो चार लोगों के ठाकुरन के नामकरण कर दिए जलंधर में, उनकी गाड़ियों के भी नामकरण। लो गाड़ियों को पहले ठाकुर जी का बनाओ, ये उन्हीं की है, फिर देखना स्क्रैच भी नहीं आएगा। क्यों? ठाकुर जी कहेंगे मेरी गाड़ी है भैया, यहां स्क्रैच नहीं आना चाहिए। फिर घरों का नाम बदलो, किसकी निकुंज है, अपने नाम से लिख देते हैं विमल निकुंज, सरिता निकुंज, नहीं, घर में जो ठाकुर जी विराज रहे उनकी कुंज, राधा मोहन कुंज, श्री केली कुंज, श्री भागवत निवास, हमारे घर का नाम क्या है, श्री भागवत कृपा निकुंज, सब ठाकुर जी को। फिर घर की जिम्मेवारी कौन की गई, ठाकुर जी की। और जितने ये छोरा छापरे बैठे हैं ब्याह करवे, तो पहले अपनी हैवेवारी जो बहू है वाकू पहले श्री जी की बना दियो, किशोरी जी की है जा, तब तो ते ब्याह करेंगे। अपने सब रिज्यूम, वो क्या रिज्यूम बोलते, क्या बोलते उसको, बायोडाटा, उसमें मेंशन करवा दो, हम गले में कंठी माला पहनते हैं, हम तिलक पहने बिना रहते नहीं हैं, हम श्री राधा जपते हैं, और जलंधर में कथा होती है उछल उछल करके नाचते हैं। आप लोग अपने बायोडाटा में ये लिखवा देते हो MBBS किया है, BA किया है, PhD कर रहे हैं, यहाँ नौकरी करिए, इस बात को क्यों नहीं लिखते? हम कथा भी सुनने जाते हैं, हम तिलक भी लगाते हैं, हम कंठी माला पहनते हैं, ऑनियन गाल लिखाते नहीं है। अरे पहले ही सबको बता दो, बल्कि बाकी सारे गुण बाद में, पहले इसको लिख दो, कौन, हमारे माई श्यामाजू को राज, अपने बायोडाटा के सबसे ऊपर ही लिखो हमारे माई श्यामाजू को राज। अभक्त यदि होगा तो बायोडाटा देखते ही ब्याह नहीं करेगा, बोले हमारे लायक नहीं है। ऐसे होते हैं हम कृष्ण समर्पित, हमारी सब चीज ठाकुर जी से है, ठाकुर जी के बिलक कुछ भी नहीं है। महाराज बालक घर में जन्म ले, अन्न प्राशन भी श्री जी के श्री चरणों की कोई प्रसादी से हो रहा है, बालक का नामकरण भी, अरे कितने लोगों को जानते हैं वो वृंदावन में 6 महीना बस जाते हैं, जैसे पता चला कि बालक होने वाला है, वृंदावन में जन्म हो रहा है बालक का। इसको कहते हैं ठाकुर जी को समर्पित होना। ठाकुर जी को ऐसे समर्पित हो जाओ तो क्या होगा, ठाकुर जी खुद को प्रदान कर देंगे, ठाकुर जी खुद को दे देंगे। सुदामा चरित्र सुनाया गया, आगे भागवत की समस्त लीलाएं विस्तार से बताई गई। भगवान के संपूर्ण यदुवंश को ब्राह्मणों का श्राप लगा। क्यों श्राप लगा? क्योंकि ये सब बालक भगवान की बात ही नहीं मानते थे, इसलिए संपूर्ण वंश को श्राप लग गया। भगवान अपने ही वंश को नहीं बचा पाए, उसके पीछे बहुत लंबी कथा है क्यों नहीं बचाया। देखो एक मेरी बात बहुत छोटे में समझा दूं, जब प्रभु श्री राम सीता जी की खोज करने के लिए लंका गए तो हनुमान जी ने अपना बल समस्त बानरों को दे दिया, तो जितने बलवान हनुमान जी थे उतना बलवान एक छोटे से छोटा बानर भी था राम जी के युद्ध में, राम रावण युद्ध में।
लेकिन युद्ध होने के बाद जब वापस हुए तो सब बानरों ने अपनी अपनी शक्ति हनुमान जी को वापस लौटा दी। बोले आपने राम जी के कार्य के लिए हमको बल दिया, अब हम ये बल आपको वापस कर रहे हैं। ऐसे ही पृथ्वी को राक्षसों के भार से हल्का करने के लिए संपूर्ण यदुवंशियों को भगवान श्री कृष्ण ने अपना बल दिया। मतलब जितने बलवान श्री कृष्ण हैं उतने ही बलवान सारे यदुवंशी हो गए थे। पृथ्वी के भार को हल्का करने के बाद यदुवंशियों ने बल वापस नहीं किया, बल्कि उस बल का अभिमान करने लगे। कोई कहता अरे इसकी आज्ञा तो श्री कृष्ण से ले लो, तो यदुवंशी कहते कृष्ण से क्यों पूछना, हम है ना, हम बोल रहे हैं करो। बल का दुरुपयोग। गुरु शिष्य परंपरा में क्या होता है, जब आप गुरु दीक्षा लेते हैं तो गुरु के भजन का बल आपको मिलने लगता है और शिष्य को अनुभूतियां होने लगती हैं ठाकुर जी की सेवा में, ठाकुर जी के भजन में। अब होता क्या है, अनुभूतियों से यदि शिष्य ये सोच ले ये तो मेरी भक्ति की बदौलत हो रहा है, ये तो मेरे भजन के प्रताप से हो रहा है, वहीं उसका भजन नष्ट हो जाएगा। नहीं, उसके गुरु का प्रभाव है। अब यदुवंशी कुछ भी करते हैं सब काम बन जाते हैं, यदुवंशियों को लगता है हम तो बड़े बलवान हैं, जबकि वो बल श्री कृष्ण का है। भगवान ने मन में विचार किया कि बल तो हमने दिया पर इस बल का दुरुपयोग ये सब यदुवंशी कर रहे हैं, तो इसका अब एक ही उपाय होना चाहिए, क्या, इनका नाश, नहीं तो यही भार बन जाएंगे पृथ्वी पर। इसलिए भगवान ने ब्राह्मणों से श्राप दिलवाया। अब कथा बहुत विस्तृत है, हम सूक्ष्म में बता रहे हैं। यदुवंशियों को श्राप लग गया, बलराम जी भगवान से आज्ञा लेकर के क्षीर सागर में प्रवेश कर गए। बोलो बलराम जी महाराज की। भगवान श्री कृष्ण एक वटवृक्ष के नीचे बैठे थे, तभी एक भेलिया ने बाण पर एर का घास को सजा करके भगवान के पैर को केंद्रित करते हुए मार दिया। ठाकुर जी के पैर के तलवे में आकर के बाण लगा। भगवान को ले जाने के लिए विमान आया था, भगवान अपनी लीला पूरी कर रहे थे, उसी समय बाण मार दिया। भगवान के पास जैसे ही वो भेलिया आया, उसने आकर के कहा ठाकुर जी मुझसे अपराध हो गया। भगवान ने कहा सब मेरी इच्छा से हो रहा है, जाओ विमान में बैठ करके वैकुंठ चले जाओ, और विमान में बैठा करके उस भेलिया को भेज दिया। यहाँ देवता सब प्रतीक्षा कर रहे थे ठाकुर जी आ रहे होंगे, पर ठाकुर जी तो आए नहीं। तब भगवान ने उद्धव को ज्ञान उपदेश किया। अब ये ज्ञान उपदेश है तो बहुत बड़ा, पर दो श्लोकों में आप लोग समझ लीजिए। भगवान कहते हैं भैया सबसे पहला काम तो आपको एक करना है कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भानुषितस्वभावात् करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। आज के बाद बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, आप अपनी काया से, अपने वचन से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से, आप जो कोई भी सत्कर्म करते हो, सत्कर्म करने के तुरंत बाद नेत्र बंद करके तुरंत स्मरण किया करो कृष्णार्पणमस्तु नारायणायेति समर्पयामि। आपने नाम जप किया, नाम जप के बाद तुरंत जल लेकर के ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करो। आपने किसी गरीब को दान किया, तुरंत ठाकुर जी का स्मरण करके ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करो, उसका पुण्य। आपने कथा कराई, तुरंत जल ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करो। आपने किसी का भला किया, तुरंत ठाकुर जी का स्मरण करके वह पुण्य ठाकुर जी को अर्पित करो। यह भक्त का प्रथम लक्षण होना चाहिए। आज के बाद आप किसी भटके हुए को राह भी दिखाते हो, यह भी एक पुण्य का काम है। राह दिखाते ही ठाकुर जी का स्मरण करो, नाथ ये सब आपकी कृपा है, मेरा कुछ भी नहीं है। आप कहेंगे इससे क्या होता है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। श्री ठाकुर जी के जो चरण है ना, वो क्या है, बैंक है। क्या है, बैंक। जिस प्रकार धन बहुत होने पर बैंक में जमा कर लो तो बैंक में सुरक्षित रहते हैं और जरूरत पड़ने पर काम आ जाते हैं, ठीक वैसे ही जीवन पर्यंत किए गए पुण्य सब ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करते जाएंगे तो वे सब वहां सुरक्षित होते चले जाएंगे। भगवान ना करे अंत काल में यदि प्राण निकलते समय हमको यम के दूत लेने आ गए, उसी समय हम ठाकुर जी के चरणों का स्मरण करेंगे तो ठाकुर जी बैंक से हमारा अकाउंट खोल देंगे, उसको रिफ्यूज कर देंगे। हमारे जितने पुण्य ठाकुर जी के चरणों में चढ़े थे उन सब पुण्यों के प्रताप से ठाकुर जी यम के दूतों को वो पुण्य बांट देंगे, भाई इसको मत लेके जाओ, उसका इतना पुण्य है, तुम लोग वापस जाओ। कहाँ जाएगा, बोले ये तो वृंदावन जाएगा, ये तो वैकुंठ जाएगा, इसको तो भगवत धाम की प्राप्ति होगी। व्यक्ति क्या करता है, पुण्य करने के बाद उसका श्रेय ले लेता है, तो श्रेय लेते ही आप पुण्य भोग लेते हो, पुण्य खत्म हो जाता है, बचता नहीं है, उसको ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करते रहो।
समझ में आई बात? आज के बाद कुछ भी करो, तुरंत नेत्र बंद करके कृष्णार्पणमस्तु हम श्री कृष्ण को अर्पित करते हैं। दूसरी बात भगवान क्या कह रहे हैं, कि खंबायुयक्म शलिलम महिम च ज्योतिम से सत्वानि दृशो द्रुमादीन सरित समुद्रांश हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्यम। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए, बस अब प्रवचन विश्राम होने वाला है, बहुत ध्यान से सुनो। पहला काम क्या करना है, जो भी पुण्य करो ठाकुर जी के चरणों में अर्पित। दूसरा काम, यहां तो ठाकुर जी कह रहे हैं सब में मुझको देखो, पर यह संभव नहीं है। आप सब में ठाकुर जी को नहीं देख सकते, तो कम से कम सब में गुण देखो। कोई कितना भी गलत व्यक्ति क्यों ना है, आपसे कितनी भी उसकी निंदा क्यों नहीं कर दी गई है, पर आपके सामने जब वो आए तो आपका स्वभाव होना चाहिए कि आप उसमें गुण ही देखो। बंधुओं देखो कितनी विडंबना की बात है, हमको अवगुण देखने में क्षण भर लगता है और लोगों में गुण देखने की स्थिति लाने में जीवन निकल जाता है, पर हम गुण नहीं देख पाते। क्यों होता है पता है ऐसा? हमारा जिस वस्तु में अभ्यास होता है, हमारे पास जो चीज होती है हमको तुरंत दिख जाती है, और जो हमारे पास नहीं है वो देखने में हमको सदियों बीत जाती है। माताएं बहनें हमारी, अगर वो कोई डायमंड का या ज्वेलरी पहनती हैं, हजारों की भीड़ में सेम कोई पहन के आ जाए उनको तुरंत दिख जाता है दूर से। क्यों? अपने पास जो है वो दूसरे के पास दिख जाता है, और जो अपने पास नहीं वो दूसरे में नहीं दिखता। इसका मतलब क्या है? आप आपको सब में दुर्गुण दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब वो दुर्गुण आप में भी है। ये बात लिख लीजिए कहीं पर, स्वभाव अपना बदलिए। सब दुनिया में कोई दूध का धुला नहीं, हम व्यासपीठ पर बैठे हम भी नहीं है। अवगुण सबके अंदर है, पर हमको अवगुण ही क्यों दिखते हैं? क्योंकि हमारा भजन कम है, हम पर ठाकुर जी की कृपा नहीं है। ठाकुर जी की कृपा, वृंदावन गमन, कथा सुनना, भजन का बल, इन सबसे क्या होता है? सब में गुण दिखने लग जाते हैं। और भैया सीधी बात है, गुण तभी दिखेगा जब तुम में होएगा, और जब तुम में ही गुण ना आए तो भीतर जो भरो वही सब जगह दिखेगा। वो क्या कहते हैं, सावन के क्या, हाँ सावन के अंधा को सब जगह हरो ही हरो दिखे, क्योंकि माने हरो ही देखो है तो सब जगह हरो ही हरो दिखेगा। जिसके अंदर ये लक्षण है ना, वो सब में दो मिनट में अवगुण देख लेता है। कोई भी नया व्यक्ति आए, शक्ल से तो बहुत लालची लगता है, इसका मतलब वो खुद भी लालची है जो बोल रहा है। कथा तो बढ़िया करते हैं महाराज जी, चुटकुल्ला कम सुनाते हैं, इसका मतलब क्या, तुम्हारा मन ही विचलित है, तुम ही चुटकुल्ला के ज्यादा आदि हो। ये बात बात पर अवगुण देखने की स्थिति उसी व्यक्ति के अंदर होती है जिसके चित्त में अवगुण होते हैं। ठाकुर जी यहां आज्ञा कर रहे हैं, मेरा भजन आपको लग रहा है ये तब जानो जब आपकी दृष्टि गुण देखने लग जाए। सब में गुण का दर्शन करो, सब अच्छे हैं, सब भले हैं, सब में ये भावना रखो। इस प्रकार भगवान ने पूरा ज्ञान उपदेश किया। अंत में मार्कंडेय ऋषि ने भगवान से प्रार्थना की, उनको प्रलय का दर्शन हुआ। भगवान ने उद्धव की याचना करने पर एक दिव्य ज्योति का रूप धारण किया, सात बार आकाश में भ्रमण करते हुए श्री ठाकुर जी श्रीमद् भागवत में विलीन हो गए। बोलो भागवत महापुराण की। बंधुओं भगवान श्री कृष्ण को पांच भौतिक देह की तरह जला हुआ आदि आदि जहां भी बोला जाता हो बिल्कुल इस बात को नकार दिया करो, नहीं, ठाकुर जी दिव्य ज्योति में परिणत हुए, सात बार आकाश में भ्रमण करते हुए तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतारणवम। श्रीमद् भागवत जी ही साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप हैं। इसलिए आप सबसे हमारी प्रार्थना है, आजकल बहुत लोग इस बात को कह देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का शरीर जला दिया आदि आदि, नहीं, ये सब बातें बिल्कुल निरर्थक हैं। ठाकुर जी श्रीमद् भागवत में विलीन हो गए। उद्धव जी महाराज बद्रीनाथ को प्रस्थान कर गए, परीक्षित को मरने का श्राप लगा, वे सुखदेव जी की शरण में गए और सुखदेव जी से जाकर के सात दिन पर्यंत उन्होंने कथा श्रवण की। कथा पूर्ण होते ही श्री सुखदेव जी महाराज अपना स्थान छोड़कर के प्रस्थान कर गए। तक्षक सर्प के स्पर्श से परीक्षित जी का पांच भौतिक शरीर जल करके राख हो गया
और उनकी आत्मा दिव्य स्वरूप धारण करके विमान में विराजमान होकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो भागवत महापुराण की। भागवत जी का अंतिम श्लोक सब लोग तीन बार मेरे साथ बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य। ऐसे नहीं, बिल्कुल सुदृढ़ होकर के शांत भाव से, शुद्धता से, ऊंचे स्वर में सब लोग बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य। सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो। प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः। तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य। सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो। प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः। तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो। प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः। तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम, तम नमामि। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। गिरिराज धरणे की जय। श्याम सुंदर श्री अमने महारानी की जय। वृंदा देवी मैया की जय। जलंधर के समस्त भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। जय जय श्री पूछरी के लौटा की हुँ, हुँ, प्यारे। क्या बात है वंशी वारे, शाबाश। आप सब लोगों को व्यासपीठ से बारंबार वंदन करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं। अभी अगर कोई भी अपना स्थान छोड़ के गया तो उसको रात में दांत में दर्द होगा, कोई नहीं जाएगा। सब लोग बैठ जाओ, और जिनके भैया भैंसे ही भाग रही हो खुल के वो चले जाओ। सप्त दिवस की ये कथा आज विश्राम हो रही है। एक बार आप सब लोग श्री कुंज बिहारी सेवा समिति के लिए जोरदार करतल ध्वनि बजाओ। और श्री राधा कुंज बिहारी सेवा समिति जलंधर, उनके अथक प्रयास से ये भागवत की कथा आज यहां विश्राम हो रही है। और हम बस कुछ दिन के लिए जा रहे हैं, आप लोग इतने दिन कथा को रिवाइज करना, कथा को याद करते रहना। और जब जब हम पंजाब आमे कथा करवे वहीं आ जाना सब लोग। हाँ, अभी चंडीगढ़ भी आइएगा, और फिर मार्च में हम कथा सुनाने आपके बगल में अमृतसर में आएंगे, तो वहाँ भी आइएगा। फिर अगले वर्ष फिरोजपुर भी आएंगे, और फिर दिसंबर में पुनः जलंधर आएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। 7 से 13 दिसंबर तक अगले वर्ष फिर मिलेंगे हम आप सब लोग। अच्छा बंधु, एक हमारी बात सुनो, सब लोग बैठ जाओ, अभी कथा विश्राम थोड़ी और इनके बैठो। कथा के बदले हम एक ही प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी से कि हे नाथ, इस कथा के बदले, कथाओं के बदले, हम तो कथा ही करते रहते हैं, तो हमको एक बात पक्की है कि कथा करने से श्री ठाकुर जी वैकुंठ प्रदान करेंगे। तो हम ठाकुर जी से कहते हैं, नाथ हमको तो वैकुंठ देना, पर हमारे जितने श्रोता हैं इन सबन को भी बुला ली हूँ। सुनो पहले पूरी बात तो सुनो, आप सब लोगों को भी वैकुंठ मिलेगा, ये बात पक्की है। कुछ लोग हमसे पहले पहुंच जाएंगे वैकुंठ में,
कई लोग यहाँ बैठे हैं वो हमसे पहले पहुंचेंगे, कई लोग हमारे संग जाएंगे, तो जब वैकुंठ जाएंगे तो वैकुंठ में जाकर के भी ठाकुर जी से एक ही प्रार्थना करेंगे, हमारी कथा कराओ। वैकुंठ में भी कथा करेंगे, हाँ हम व्यासपीठ पर बैठेंगे, ठाकुर जी आप सब श्रोताओं के बीच में बैठेंगे, ठाकुर जी और श्री जी बैठेंगे और भैया 7 दिन तक रोज ठाकुर जी को कथा सुनाएंगे। कीर्तन में आप सब लोग ठाकुर जी को ही पकड़ के नृत्य करना, उन्हीं को ही नचाया करना। और सुनो, फिर जैसे अंतिम दिन आएगा तो ठाकुर जी कहेंगे दक्षिणा मांगो, तो दक्षिणा में हम फिर से वृंदावन मांग लेंगे, फिर से ब्रजधाम मांग लेंगे। दक्षिणा में ठाकुर जी से कहेंगे हमको फिर से वृंदावन भेज दो, और फिर वृंदावन में व्यास बना दो, वृंदावन फिर से इंद्रेश बना दो, फिर से गिरधर लाल जी की सेवा दे दो, फिर से जलंधर भेज दो कथा सुनाने। केवल इसी बात की प्राप्ति के लिए हम कथा करते हैं कि हमको यही चाहिए ठाकुर जी से। बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम, बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम। तो जलंधर के सब वैष्णवों को हमारा हाथ जोड़ करके, दूर दूर तक जो भी हमको देख रहे हैं हम उनको नहीं देख पा रहे हैं, सबको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सियाराम, जय श्रीमन्नारायण। आप सबका मेरे चरणों में परिपोना। हाँ, आप सबको प्रणाम। दूसरा, जिनकी कृपा सानिध्य हम सबको प्राप्त हुआ, ऐसे पंजाब में जिन्होंने गौ क्रांति लाई, हमारे परम पूजने प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री गौ सेवा मिशन के अध्यक्ष स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज, एक बार सब लोग महाराज जी के लिए भी करतल ध्वनि बजाओ। भैया आप में से कई लोगों को तो जन्म नहीं भयो होगो, तब से महाराज जी पंजाब में गौ सेवा करें। काय को खड़े हो गए, बैठ जाओ सब लोग, अभी 5 मिनट बैठ जाओ। महाराज जी तब से पंजाब में गौ सेवा कर रहे हैं। भैया पंजाब बड़ा समृद्ध प्रांत है, पंजाब में हर प्रकार की समृद्धि है, पंजाब में गौ समृद्धि भी है, पर वह भी इसलिए क्योंकि पूज्य कृष्णानंद जी महाराज जैसे संत आपकी इस धरती पर बैठे हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमारी आप सबसों प्रार्थना, गौ सेवा मिशन को खड़ा किया महाराज जी ने और महाराज जी का बहुत सहयोग किया हमारे पूज्य पिताजी ने। पंजाब में कितनी कथाएं निःशुल्क की हैं गौ सेवा मिशन के लिए, ऐसे गौ सेवा मिशन के श्री अध्यक्ष पूज्य महाराज जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। और आपका जो संकल्प है 108 करोड़ हनुमान चालीसा के पाठ आप सब लोगों को करने हैं, उसकी पूरी विधि महाराज जी रोज आपको बताते हैं, उसका आप सब लोग पालन कीजिएगा। आज हमारे मध्य में परम पूजनीय श्री रजनीधर मोनी महाराज पधारे हैं अलावलपुर से, पूज्य महाराज जी को बारंबार प्रणाम है। साथ ही आदरणीय श्री दीपिका महंत माई जी पधारी हैं, आपको भी बारंबार वंदन है, बारंबार प्रणाम है। आप सब वैष्णवन को भी बारंबार वंदन है, बारंबार प्रणाम है। आइए आज के इस मंगल भाव को विश्राम दें, उससे पूर्व बड़े प्रेम और भाव से श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो, भुजा उठा के श्याम हृदय सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, प्यारो रहे वृंदावन धाम, प्यारो रहे वृंदावन धाम। श्री रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहां, कियो जहां रूप गोस्वामी प्रकट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहां, रूप गोस्वामी प्रकट कियो, राधा गोविंद रूप निधान,
एक काम करो, सब लोग अपने अपने फोन की टॉर्च जला कर फिर नाचो, सुंदर लगोगे। रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहां, रूप गोस्वामी प्रकट कियो राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, हाँ प्यारो रहे वृंदावन धाम, प्यारो रहे वृंदावन धाम। हे मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, श्री मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बल बल जाए वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। काली टी शर्ट वालों भैया आ जा भैया, हाँ जल्दी आओ दौड़ के। वृंदावन मेरो वृंदावन, अब टॉर्च बंद कर लो, प्रेम से बस करताल बजा के सब लोग का। हे गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपी नाम, गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो, स्वर निकाल के गाओ, हाँ प्यारो प्यारो गोपी नाम, प्यारो प्यारो गोपी नाम, हो बड़ो प्यारो लगायो, मधुपंडित जिन कंठ लगायो, और मधुपंडित जिन कंठ लगायो, मधुपंडित कंठ लगायो, जहाँ है रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, मेरो वृंदावन, मधुपंडित जिन कंठ लगायो, और है रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री गोपाल भट्ट झुकी हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम, हाँ प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम, प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम, भाव से गाओ। रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, श्री वृंदावन में सब ते न्यारो, सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, हे श्री राधा रमण दुलाल वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे आतुर हित हरिवंश पुकारो श्री राधा राधा नाम, आतुर हित हरिवंश पुकारो श्री राधा राधा नाम, जय राधा।
राधा राधा नाम आतुर हित हरि वंश पुकारो श्री राधा राधा नाम। तब हे सघन कुंज यमुना तट आयो सघन कुंज यमुना तट आयो मदन टेर वृंदावन आयो मदन टेर बुझा उठा के प्यारो राधा वल्लभ लाल वृंदावन जय जय राधा वल्लभ हित हरि वंश राधा जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरि वंश राधा वल्लभ प्यारो हरि वंश जय जय श्री वृंदावन श्रीमन चंद जय जय प्यारो नवल कुंज ही प्यारो नवल कुंज ही कुंज नि कुंजन की रज धारे 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 ओ हरि व्यास युगल यश गाए वृंदावन एक बालक हाथ ऊपर करो जो अभी उछल रहे थे। हाँ तुम ही टी शर्ट वाले भैया आओ जल्दी आओ इधर देखो। भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार हाँ भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार भुवन चतुर्दश की सुंदरता उजा उठा के पूरे वेग में गाओ हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी हे श्यामा प्यारी बांके बिहारी श्यामा प्यारी बांके बिहारी हे हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी कुर्ता वालों भैया की बगलबंदी भैया बस आजा 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 लाला आजा श्याम प्यारी कुंज बिहारी श्याम प्यारी कुंज बिहारी और जय जय श्री हरिदास वृंदावन मेरो वृंदावन
जिनकी कृपा से हम जलंधर आ पाए, जिनकी कृपा से ये कथाक्रम हुआ, वाह भाई, जिनकी वजह से ये रस सब गाते हैं। ऐसे प्यारे गिरधर लाल आए थे एक दिन कथा में, सब उनको प्रणाम करो। जिनकी कृपा से यह रस प्रकट वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रकट वृंदावन अभिराम, हाँ प्यारो वृंदावन अभिराम, प्यारो वृंदावन अभिराम, प्यारो वृंदावन अभिराम, प्यारो वृंदावन अभिराम। हे सप्त निधिन को ही उजियारो, सप्त निधिन को ही उजियारो, हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो। भुजा उठा के वेग में गाओ, यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो। हे हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे शिव वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो। हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे शिव वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश, जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश, जय जय राधा वल्लभ हित हरि वंश, जय राधा वल्लभ हित हरि वंश, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय श्यामा प्यारी राधे राधे, जय गुंज बिहारी राधे राधे, जय राधे 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 राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, पूछरी के लौटा की हुप हुप प्यारे, क्या बात है वंशी वारे, शाबाश। आप सब लोगों को बारंबार प्रणाम। अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। सप्त दिनों में हमारी वाणी से कोई ऐसा भाव बना हो जिससे किसी को क्षोभ हुआ तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। अभी आज ही हिसार को प्रस्थान करेंगे, पुनः जल्दी जलंधर की भूमि में आएंगे। तब तक के लिए सबको जय श्री कृष्ण, जय सियाराम, जय श्रीमन्नारायण, आरती आती।